हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवतियों ने ली पर्यावरण संरक्षण और बाल विवाह रोकथाम की शपथ। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के तहत सारर संस्थान द्वारा TDS के सहयोग से गांव मूलिया में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर गांव के लगभग 40 युवतियों व युवाओं ने वृक्षारोपण किया, जिसमें नीम, आम, सेंजनी, फली आदि के पौधे विभिन्न स्थानों पर लगाए गए। समूह की सदस्य जनता कुमारी ने सबको संबोधित करते हुए कहा कि आज जो पर्यावरण दूषित हो रहा है और ये जो कुर्तियां फैल रही हैं, उसे रोकने के लिए हम युवाओं को ही आगे आना होगा, वरना आने वाले समय में बहुत बड़े संकटों से गुजरना पड़ेगा। हम युवाओं को ये शपथ लेनी होगी कि हम किसी भी कुर्ती को अब नहीं होने देंगे, उसका खुलकर विरोध करेंगे। अब चाहे वो बाल विवाह हो, आटा साटा हो, खींच प्रथा हो, इन सबसे युवाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है। हमें मिलकर इन सबसे लड़ना होगा। जरूरी नहीं कि लड़ाई युद्ध के मैदानों में ही लड़ी जाए, ऐसे कुर्तियों से लड़ना भी एक तरह का युद्ध ही है। वही कार्यक्रम समन्वयक पवन चतुर्वेदी ने युवाओं में बढ़ रही नशे की आदत को रोकने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हमें नशे को छोड़कर अन्य सकारात्मक चीजों की तरफ अपना ध्यान लगाना होगा, तभी हम एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इस अवसर पर सभी ने शपथ की वह अपने गांव में कुर्तियों को रोकेंगे, नशे की लत को छोड़ेंगे और फिर गांव में साफ सफाई भी की। इसी तरह परियोजना के अन्य गांवों में भी युवा दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सारण संस्थान से सुनीता, पवन चतुर्वेदी व बबला राम ने भाग लिया। जागरूक टीवी के नागानी से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।